Assalamu alaikum. Welcome back again, continuing the coordinate geometry. So this is the distance form, or we call it the symmetric form of a line. Hamare paas ek line hai, is pe ek fixed point hai A with coordinates x1, y1 aur P ek general point hai, coordinates x, y. The distance between A and P is R. So this distance is x minus x1 and this is y minus y1. This is the angle called inclination theta. यहाँ भी यही theta होगा. जब हम लेंगे triangle ARP, इसमें हम देखते हैं sin theta जो है it's y minus y1 divided by R, और y minus y1 divided by sin theta it will come out to be R. Again from same triangle cos theta is x minus x1 divided by R. So x minus x1 divided by cos theta is R. Comparing these two equations, it will come out to be x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta equal to R. ये हमारे पास जो है it's called symmetric form of line. इससे हम line पे general point निकालेंगे in the form of x comma y. मगर ये जो point P x comma y हमने यहाँ रखा, it can be here as well. So keeping that in view, जो हमारे पास इसके coordinates आएंगे, वो आएंगे that is x minus x equal to x1 plus r cos theta, ya x equal to x1 minus r cos theta. Similarly, we have y equal to y1 plus r sin theta, y equal to y1 minus r sin theta. Next is general equation of line. As you know that general equation of line is ax plus by plus c equal to 0. अगर इसको कन्वर्ट करना होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो हम लिखेंगे बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी. सो वाई विल कम आउट टू बी माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी. इसका मतलब ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस ए बाई बी. सो हाउ टू रिमेंबर इट, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई. फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास लाइन होगी माइनस 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, इसका स्लोप जो m माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 3x डिवाइड बाई 4, इट इज 3/4. सो नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. सो राइटिंग इट एज ax प्लस by इक्वल टू माइनस c, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस c, इट्स x बाय माइनस c प्लस by बाय माइनस c इक्वल टू 1. सो इट इज x डिवाइड बाई माइनस सी बाई a, y डिवाइड बाई माइनस सी बाई b इक्वल टू 1. जैसे कि मैंने लिखा यहाँ x2x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, इसको हम लाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 12, माइनस 12 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, ये बनेगा 2x बाई माइनस 12 प्लस 3y बाई माइनस 12 इक्वल टू 1. सो इट विल कम आउट टू बी x बाई माइनस 6 प्लस y बाई माइनस 4 इक्वल टू 1. सो इस तरीके से हम लाइन को ला पाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में. नेक्स्ट इज अगर हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. सो आई विल राइट एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी. मेक श्योर दिस माइनस सी इज पॉजिटिव. इफ इट इज नॉट पॉजिटिव, वी कैन मेक इट पॉजिटिव बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस 1, देन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इट इज ए डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस बी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टाइम्स वाई इक्वल टू माइनस सी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. जब इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी के फॉर्म में, तो पी जो है ये बनेगा माइनस सी बाई दिस थिंग. ये रिप्रेजेंट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन. और कॉस थीटा जो है इट्स ए डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन थीटा इक्वल टू बी डिवाइड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इन दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें थीटा का वैल्यू मिले. जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है x माइनस रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0, इसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल फॉर्म में. हम लिखेंगे x माइनस रूट 3y इक्वल टू माइनस 8, क्योंकि ये माइनस 8 यहाँ है, इसको पॉजिटिव बनाना है, लिहाजा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट्स माइनस एक्स प्लस रूट 3y इक्वल टू 8, डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाई रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 होल स्क्वायर. सो इट इज 2. 2 से जब डिवाइड करेंगे इट्स माइनस 1 बाई 2x प्लस रूट 3 बाई वाई इक्वल टू 4. तो 4 हमारा जो है ये p बना,
that is perpendicular distance from origin to the line. Cos theta बना minus 1 by 2 और sin theta बना root 3 by 2. अब हमें देखना है cos theta negative, sin theta positive. इसका मतलब ये कौन सा quadrant है? Second quadrant में होगा. Cos theta जो है इसका value लिखेंगे minus 1 by 2, it's minus cos pi by 3. That is cos of pi minus pi by 3. तो simplifying, cos theta equal to cos 2 pi by 3 और theta निकला 2 pi by 3. और ये जो 2 pi by 3 है, ये इस जो sin वाली equation है, इसको भी satisfy करेगा. तो ये जो एंगल है, एंगल हमें फाइंड हुआ 2 पाई बाय 3. नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन. ये एक लाइन हमारे पास है, पॉइंट है px1 कमा y1. लाइन की इक्वेशन है ax plus by plus c equal to 0. d अगर हम रखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होती है? ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. अगर हमारे पास लाइन एक होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन हमें लिखनी है. मतलब हमारे पास लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई सेम प्लस सम के इक्वल टू जीरो. ये के जो है ये फाइंड करेंगे हम जो गिवन कंडीशन दी होगी. इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर to the line ax plus by plus c equal to 0. ये कैसे लिखेंगे? हमें लिखना है minus bx, मतलब जो y का coefficient है, with changed sign इसको लिखना है x के साथ, plus ay, जो x का coefficient है a, इसको लिखना है y के साथ, with same sign, plus k equal to 0. k unknown है, इसको find करेंगे with given conditions. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. दो पैरेलल लाइंस हमारे पास होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, देन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो. डिस्टेंस इज गिवन बाय मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल. एज यू नो सेंट्रॉइड जो है ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. जहां पे मीडियंस ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं. तो अगर हमारे पास ट्राइंगल है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री. तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स जो है ये होते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री कमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइड बाई थ्री. इसके बाद नेक्स्ट है इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर. मतलब जहाँ पर इंटरनल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे इन सेंटर. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन, बी के एक्स टू वाई टू और सी के एक्स थ्री वाई थ्री. ये जो वर्टेक्स ए के अपोजिट है ये लेंथ ए, इसी तरीके से ये लेंथ बी और ये लेंथ सी. देन इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इट्स ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी. एंड वाई कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी. एंड वी हैव द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल वो पॉइंट होता है ट्राइंगल में विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस. मतलब हमारे पास वर्टेक्स है ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री. पी अगर सर्कम सेंटर है देन ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी. फाइनली वी हैव द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. ऑर्थो सेंटर मीन्स जहाँ पे ये जो ऑल्टीट्यूड्स हम डालेंगे, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. सो द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. अगर हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा उसमें सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर जो है वो और सर्कम सेंटर भी ये कोइंसाइड करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.